दोस्तों, जैसा कि आप देख ही सकते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि हमने आ चुके हैं यहाँ पर, और हमको कंप्यूटर की तरह चलाने के लिए चाहिए एक मोबाइल। आपके पास जो मोबाइल हो आप वो ले सकते हैं। मेरे पास ये वाला मोबाइल है, इसीलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। जैसे सेवन प्राइम है गैलेक्सी। उसके बाद हमने एक ट्राईपोड ले लिया है, जिसको हम अपने स्टैंड की तरह मोबाइल को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रख देंगे, कुछ इस प्रकार से, जिससे हमारा ये सिर्फ जाएगा। आप इसे चाहे तो बना भी सकते हैं, चाहे तो मार्केट से ऑलरेडी ला भी सकते हैं ख़रीद कर। आप देख सकते हैं मैंने इसको बना ही लिया था पहले, ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो। उसके बाद हम एक 4 USB पोर्ट ले लेंगे, अब जिसको हम कीबोर्ड और माउस हमारा कनेक्ट होने वाला है। उसके बाद हम एक माउस ले लेंगे, जिससे हमारा चलने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटर का ये वाला माउस है, आप जिस क्वालिटी का चाहें वो ले सकते हैं। और यहाँ पर एक कीबोर्ड हम ले रहे हैं, जो कि इंटक्स का है, बढ़िया क्वालिटी का है, काफ़ी तेज़ चलता है। तो आप यहाँ पर दो पैर ले गए हैं इसको स्टैंड के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगे हुए, हमारा बराबर ज़मीन पर ना होने के कारण इसको रखने के लिए। जिसे आप चाहें तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, इसको बंद भी कर सकते हैं और चालू भी कर सकते हैं। तो इसको मैं साइड रख देता हूँ। हम अपना कीबोर्ड यहीं पर रख लेंगे और फिर हम माउस को भी यहीं रख लेते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर हम रखेंगे। माउस हमारा भी यहीं पर रहेगा और इसको हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमने कीबोर्ड और माउस का अनबॉक्सिंग पहले ही कर लिया था, क्योंकि जब हम लेके आया था ऑफलाइन लेके आया था इसको, और इसको चेक करना था यह सही काम करता है या नहीं। तो इसका मैंने ले लिया है, ये काफ़ी सस्ता मिल जाता है, इसको आप ले सकते हैं। इसका हम साइड लगा देंगे। तो दोस्तों, अब हम इसको लगा लेते हैं। और हाँ, ये वाला आप OTG केबल ले सकते हैं, आप चाहे तो खरीद सकते हैं, 30 से 40 रुपये में आपको आसानी से मिल सकता है मार्केट में, ऑफलाइन मिल जाएगा। तो हम ले लेंगे और अपने इस स्टैंड यानी ट्राईपोर्ट में इसको हम फिट कर लेंगे आसानी के साथ। तो चलिए हम इसको फिट कर लेते हैं, इस प्रकार से लगा देंगे। दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से मैंने इसको फिट कर लिया, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं आप चाहे तो। और इस वाले वायर को हम OTG वाले वायर को दोस्तों, हमारा कैमरा जो है सही से आ नहीं रहा है पूरा, इसलिए हम इसको कुछ इस प्रकार से भी लगा लेंगे, ताकि हमारा मोबाइल अच्छे से वर्क करे और हम पूरा का पूरा इसमें आपको दिखा सकूँ आसानी के साथ। तो इसको हम सबसे पहले ट्राईपोड को जोड़ लेंगे। इसको मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार से। OTG वाले केबल को इसमें हम लगा देंगे आसानी के साथ। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे ट्राईपोड 4 USB OTG केबल जुड़ चुका है, और इसको हम माउस भी कनेक्ट कर देंगे यहीं से। बड़ी आसानी से हमने इसको सेटअप भी कर लिया है, और आप देख सकते हैं माउस हमारा चल रहा है। दोस्तों, आप माउस का एरो देख ही सकते हैं, और हम इसमें कीबोर्ड भी कनेक्ट करने वाले हैं। इसको हम कुछ इस प्रकार से लाकर यहाँ पर कीबोर्ड को कनेक्ट कर देंगे, और ये वाला हमारा मोबाइल जो है लगा देंगे।
दोस्तों जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, हमारा कीबोर्ड थोड़ा साइड में लेंगे और फिर हम इसको चलाकर देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा माउस का एरो कितना अच्छा से काम कर रहा है। इसमें हम पासवर्ड लगाए हैं, पासवर्ड हम कीबोर्ड के जरिए से खोलने वाले हैं। तो 800 और इसको हमने पासवर्ड खोल लिया है और हम टाइपिंग करके इसको देखने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर टाइपिंग मास्टर ओपन कर लेते हैं टाइपिंग करने के लिए। आप देख सकते हैं इसमें अपने हिसाब से चूज करके आप टाइपिंग कर सकते हैं और हम यहाँ पर कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं, जैसे BHARAT भारत, दोस्तों अपने हिसाब से आप टाइपिंग कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको सही सही नहीं करके दिखा सकता है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप अपने हिसाब से टाइपिंग कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी टाइपिंग की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं आसानी के साथ। चलिए हम इसको बंद कर देते हैं, ऐड आ चुका है तो इस ऐड को हम कैंसिल करके यहाँ पर बंद कर देंगे। आप चाहें तो विंडो प्लस डी से आप कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि मिनिमाइज कर सकते हैं आप। और इसमें हम एक्सेल को चलाकर देखने वाले हैं। तो यह हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसको हमने ओपन कर लिया है। दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं प्लस वाले आइकन पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं और यहाँ पर अपने फार्मूला लगाकर कोई भी हिसाब किताब जोड़ सकते हैं यहाँ पर बड़े ही आसानी के साथ। दोस्तों जैसे कि आप देख ही सकते हैं, दोस्तों कहने का कुल मिलाकर बात यह है कि ये काम करता है, 100% काम करता है। आप चाहें तो इसे लाकर भी बना सकते हैं अपनी आसानी के साथ। और इसमें चाहें तो अभी 2 पोर्ट खाली है, इसमें पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं और भी अदर डिवाइस इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था एक्सेल और इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो इसको हमने मिनिमाइज कर दिया है और ये वर्ड पैड है, ये पावर पॉइंट है हमारा कंप्यूटर वाला, और ये नोट पैड है, ये एक्सेल है। दोस्तों आपको दिखा देता हूँ मैं, ये माइक्रोसॉफ्ट का पूरा फीचर है, मैं इसको नहीं दिखाने वाला हूँ ज़्यादा चला कर क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, यहाँ पर कोई भी किसी भी चार्ट बना सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। दोस्तों ये भी अच्छा से काम करता है और मैं आपको पावर पॉइंट तो चलता ही दोस्तों आप देख ही सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ सर्च बार में भी जाकर कर सकते हैं और यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आप यहाँ पर फोल्डर अपने हिसाब से बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप कुछ भी बना सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा स्क्रीन इसका छोटा है बट काम तो इसे ही करता है जैसे हमारा कंप्यूटर में काम होता है। ये वर्ड है MS Word 2007, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी उसी तरह काम करता है। आप यहाँ पर कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, कोई भी चार्ट बना सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत छोटे में दिखाई देता है, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर 48 या 72% सेट कर लेता हूँ ताकि हमारा अच्छे से दिखे। और दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बड़े ये टाइपिंग हो रहा है। कहने का मतलब है दोस्तों ये काम करता है, 100% काम करता है,
ये फेक नहीं है और ये काम करेगा। आप भी चाहें तो ये सब बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दे। और फिर हम मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।